सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूले। जो हजरात खड़े हुए हैं गेट के अंदर भी वो अपनी जगह ले ले। अमृत सेठ साहब, मानक सेठ जी अग्रवाल, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में। गुजारिश करता हूँ मैं कि शामिल की ओर तशरीफ लाए। अमरोज जी पटेल साहब, मानक जी अग्रवाल, जो हमारे मेहमान खुसूसी है वो भी तशरीफ ला चुके हैं, अनकरीब जो स्टेज पर आए गए। और अब तक हकीम शेख हकीम भाई मनियार बिरादरी के उपाध्यक्ष वो स्टेज पर तशरीफ ले। मैं गुजारिश करता हूँ उदय दादा पाटील, शेख राम भाऊ झामरे, भारतीय जनता पार्टी तालुका शहर अध्यक्ष मलकापुर, रईस भाई स्टेज के करीब आए, रईस भाई से तीनों भाई पटवे, कैलाश भाव माड़ी का इस्तेमाल करें, मैं उनसे विनती करता हूँ। भैया साहब का इस्तेमाल करें, मोहम्मद नूर सेठ साहब, मोहम्मद नूर सेठ साहब, हाजी मुजम्मिल साहब जो नांदुरा से आए हैं, सलीम और गुजर सलीम, अरमान भाई, कलीम अली कुरैशी, सुधाकर पाटिल काका का इस्तेमाल करें, मैं तमाम खाने के इंतजाम में लगे हुए मेरे दोस्तों से गुजारिश करता हूँ। आज बुधवार शहर में एकता फाउंडेशन की ओर से सामूहिक विवाह तथा इज्तिमाई शादियों का आयोजन किया गया। इस इज्तिमाई शादियों के आयोजन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जननायक फाउंडेशन, टीपू सुल्तान ग्रुप और बोदवड़ शहर के तमाम मेम्बरान और हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता नज़र आई। इस एकता में इज्तिमाई शादियां बखूबी होती हुई नज़र आई और आज यहां पर प्रथम वर्ष में 13 सामूहिक विवाह यहां पर आयोजित किए गए। आने वाले समय में बहुत जल्द 101 या 151 सामूहिक विवाह का आयोजन एकता फाउंडेशन की ओर से अध्यक्ष मुनाफ भाई ठेकेदार, बिस्मिल्ला सेठ कुरैशी तथा उनके तमाम मेम्बरान की ओर से किया जाएगा। इस तरह का आश्वासन इनोसेट भगवान इन्होंने और तमाम मेम्बरान ने दिया है। ये इज्तिमाई शादियाँ करने में आप कितने दिन से काम में लगे हैं? ये इज्तिमाई शादी के लिए कम से कम हम 3 महीने से पूरी टीम जुड़ी है। एकता फाउंडेशन का पूरा ग्रुप? एकता फाउंडेशन का पूरा ग्रुप। कितने लोग हैं सदस्य ग्रुप में? सदस्य के अंदर 9 लोग हैं। अच्छा। और सभासद के अंदर 40 लोग हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने अपने मुस्लिम भाई थे, उन्होंने बहुत जी जान से मेहनत की और जननायक फाउंडेशन ने हमारे को बहुत मदद की। और ये इनका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। शत्रुंजी महल्ला और कुरैशी महल्ला, बागवान महल्ला, नया मोहल्ला, मंसूरी समाज, शाह समाज, इन्होंने जितने भी लोग हैं, इन्होंने जी जान से बच्चे ने, हर बच्चे ने मेहनत की। इनका मैं और हमारी टीम पूरा इनका स्वागत करती है। मुनाफ भाई ठेकेदार जो कि मेरे बड़े भाई है, इन्होंने बड़ी मेहनत लगन और बहुत जद्दोजहद से इनो सेठ बागवान बिस्मिल्ला भाई, बिस्मिल्ला कुरैशी और बशीर खान डॉक्टर और बाकी सभी सदस्य, इन्होंने बहुत मेहनत से जद्दोजहद से इस काम को अंजाम दिया। और इस काम इज्तिमा की सबसे विशेष और ख़ास बात यह है कि कोई बिरादरी और कोई समाज में इसकी आर्ट या कोई रोल नहीं है। ये सभी समाज के लिए और सभी बिरादरियों के लिए ये इज्तिमा हम कराते हैं और आगे आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह कराते रहेंगे पूरी एकता के साथ। एकता का सिंबल है
एक हाथ का है जो एकता को दर्शाता है, ताकत को दर्शाता है, जिसमें अंगूठा भी है, उंगली भी है, शहादत की उंगली जिससे कुरान पढ़ा जाता है, अंगूठा सरकारी दफ्तरों में हर जगह इसका वैल्यू ज़्यादा होता है। हम कोई काम इसके लिए किए है, शायद 13 हुआ है और आते साल में 51 करेंगे इंशाल्लाह। 51 करेंगे शादी में मुस्लिम समाज की कौन कौन सी बिरादरी है, क्या सभी बिरादरी को है? सभी बिरादरी को है, बागवान है, कुरैशी है, तिजारी है, पटवे है। इसमें मुस्लिम समाज पूरी आ रही है? पूरी आई। इसमें कोई बिरादरी का कोई मसला नहीं? कोई बिरादरी का मसला नहीं। अच्छा, तो आने वाले साल में 51 शादी का आपका टारगेट है? इंशाल्लाह अप्रैल में करेंगे। ये अप्रैल महीने में करेंगे। ठीक। मुस्लिम एकता फाउंडेशन की ओर से हम हर साल की तरह ये साल भी हर साल शादियाँ करते थे, लेकिन ये साल हम एकता फाउंडेशन वालों ने एकता करके जनरल मुसलमानों को कुरैशी बिरादरी, मंसूरी, शाह बिरादरी सब मिलकर 13-14 शादियाँ किए और आने वाले साल में भी अल्लाह ने चाहा तो हम 51 शादियाँ करेंगे, ऐसा हमारा है। और दूसरी बात यह है कि हमारी सोसाइटी तरफ से एक पलंग, एक कपाट और 5 बर्तन और 200 लोगों को खाना हम हमारी सोसाइटी की तरफ से देते और हमारी सोसाइटी सब जद्दोजहद करके सारे गांव के लोग हमारे को मदद करने के बाद एकता करके ये शादियों को प्रोग्राम को इंतज़ाम करते हैं।